दोस्तों ईपीएफओ पेंशनर से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है खुशखबरी, ईपीएफओ के 6.3 लाख पेंशन भोगियों को मई से पूरी पेंशन मिलेगी। अपडेट की माने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई महीने से 6.3 लाख पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा, जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। इससे देश भर के ईपीएफओ पेंशन प्राप्तकर्ता को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के पेंशन नियमों में इसी साल 20 फरवरी को बदलाव किया था। इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू की गई थी। इस फैसले से 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सरकार पर इस फैसले से करीब 1500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत ईपीएफओ के सदस्यों को कम्यूटेशन बेनिफिट पाने का विकल्प नहीं मिलता है। सरकार कम्यूटेशन का विकल्प पेंशन भोगियों को देती है कि अगर वे चाहें तो अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त ले लें। इसके तहत सेवानिवृत्ति के वक्त एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वह उसका एक तिहाई कम्यूट करवा सकता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से कटौती कर एक मुश्त दी जाने वाली एक मुश्त दी गई पेंशन की भरपाई करती है। इस साल के पहले तक यह कटौती पेंशन भोगियों की पेंशन से आखिर तक की जाती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में यह रिटायरमेंट के 15 साल तक ही की जाएगी। इसके बाद कर्मचारी को उसकी फुल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है ईपीएफओ के 6.3 लाख पेंशन धारकों को लेकर। जिन पेंशन ने कम्यूटेशन की व्यवस्था को विकल्प के रूप में भरा था उनको मई में पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएफओ पेंशनर हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए ईपीएस पेंशनर, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।